आज इस वीडियो में सबसे पहले हम एक फेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फेक न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी की अगर कोई फेक न्यूज़ आती है ना, तो वो बहुत डेंजर है, डेंजरस न्यूज़ होती है एक तरह से। और फेक न्यूज़ क्या थी कि लाइट कॉइन को लेके एक न्यूज़ आई थी, लाइट कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेगा वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट और लाइट कॉइन की जो पार्टनरशिप है, इसको लेके न्यूज़ आई थी और वॉलमार्ट ने कहा था कि लाइट कॉइन को आज हम मतलब एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और ये न्यूज़ निकल के आई थी, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी। और इसके बाद सबको लगा होगा कि लाइट कॉइन के प्राइस ऊपर जाएंगे, एज अ पेमेंट एक्सेप्ट होगा। लेकिन आज ऑफिशियल्स दोनों ने क्लियर कर दिया, लाइट कॉइन के भी और वॉलमार्ट के भी, ये जो न्यूज़ निकल के आई है लाइट कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने की वॉलमार्ट में, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। इस फेक न्यूज़ के ऊपर आप ना जाएं, ठीक है? अगर ऐसा कुछ होता तो ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियरली आता, ठीक है? तो फेक न्यूज़ थी ये, और कोई लाइट कॉइन पेमेंट में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वॉलमार्ट के लिए, ठीक है? तो फेक न्यूज़ का आज हमने बात की, और ये बात करनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि लाइट कॉइन की ऐसी अगर न्यूज़ आती है तो फिर लाइट कॉइन में इन्वेस्ट लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब ऐसी कोई भी पेमेंट को लेके एक्सेप्ट आती है, न्यूज़ आती है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के जो चांसेस हैं लोगों के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए फेक न्यूज़ को बताना भी ज़रूरी है, ताकि आप फेक न्यूज़ के चक्कर में ना फंसें। तो लाइट कॉइन कोई पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वॉलमार्ट की तरफ से, ये चीज़ क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की वॉलमार्ट और लाइट कॉइन को लेके, और आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।